काफी आसान बना दिया है। सरकार का ये प्रयास है कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर मजबूत हो, क्योंकि ये मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, इसका एक मजबूत स्तंभ है। देश के एक्सपोर्ट में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। रोजगार को लेकर भी इसकी हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। विशेष तौर पर तराशे गए और पॉलिश किए गए हीरे के मामले में तो भारत आज टॉप पर है, और सूरत का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, आप लोगों का योगदान है। साथियों, रोजगार और कारोबार के लिए तो गुजरात और सूरत दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन साथ साथ सब्जीभाई धोलकिया जैसे ऐसे लोगों की वजह से सूरत की चर्चा आर्ट ऑफ गिविंग के लिए भी होती है। व्यापार किस प्रकार मानवता का केंद्र हो सकता है, ये इन्होंने दुनिया को दिखाया है। उनकी व्यापार में व्यवहार, सदाचार, सरोकार और परोपकार भी शामिल होता है। आज सऊदी भाई ने जो भी हासिल किया है उसके पीछे उनके माता पिता के आशीर्वाद, उनकी सोच और पूरे परिवार का एक टीम बनकर के कठिन परिश्रम तो है ही, उनकी संवेदनशीलता और दूसरों के लिए जीने का भाव भी है। दुनिया भले ही आज दिवाली के अवसर पर दिए जाने वाले अनूठे उपहारों के लिए उनको पहचानती हो, लेकिन ये उनकी विराट सोच का हिस्सा भर है। मैं जानता हूं कि ग्रुप की तरफ से हर कर्मचारी और उनके परिवार के स्वास्थ्य और शिक्षा की भी चिंता की जाती है। हजारों बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाना हो, बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ स्थानों के दर्शन कराना हो, ये प्रशंसनीय कार्य है। इसके अलावा हर कर्मचारी को एक तक का जीवन बीमा और 1,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देना, ये भी बहुत बड़ी सुरक्षा की गारंटी है, क्योंकि मुश्किल समय में यही परिवार के काम आता है। साथियों, मैं हरिकृष्ण ग्रुप को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR को नया आयाम दिया है। गुजरात भर में 21,00,000 से ज्यादा पेड़ लगाना हो, सरकारी अध्यापकों कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलाना हो, रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन हो, ऐसे अनेक कार्य ये ग्रुप के द्वारा चलाए जा रहे हैं। किसानों के लिए जो काम किया जा रहा है, ऐसे एक प्रोजेक्ट का तो लोकार्पण मुझे पिछले साल करने का मौका मिला था। ये एक तरह से मेरे जन्मदिन पर आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार था। मुझे खुशी है कि आज हरिकृष्ण सरोवर प्रोजेक्ट से लाठी और आसपास के गांवों के 2,00,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है। जन भागीदारी से कैसे बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, हरिकृष्ण सरोवर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुझे विश्वास है कि किसानों तक पानी पहुंचाने, चेक डैम और सरोवर बनाने का जल संरक्षण की इस मुहिम को इसी तरह वो विस्तार देते रहेंगे। साथियों, देश के लिए, समाज के लिए ये निश्चित रूप से योगदान है।
आप सभी ने देखा होगा कि कल ही हमने सेल्फ फॉर सोसाइटी, मैं नहीं हम नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया है, सेल्फ फॉर सोसाइटी। इसके लिए बकायदा एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य देश में सेवा के उस भाव को प्रोत्साहित करना है जिसके तहत अपने काम के अलावा व्यक्ति समाज सेवा में भी सक्रिय भूमिका निभा सके। मुझे विश्वास है कि आप में से भी अनेक साथी पहले से ही किसी न किसी रूप में समाज के लिए समय दे रहे हैं। मैं आप सभी साथियों का आह्वान करता हूं कि आप अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ समय जरूर निकालें और समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास और अधिक बढ़ाएं। मैंने भी अपनी तरफ से हर लाभार्थी को चिट्ठी भेजी है, आप भी इस योजना के बारे में जानकारी लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ताकि गरीब को समय पर सही इलाज मिल सके। देश भर के करीब 50 करोड़ बहन भाइयों को एक साल हर परिवार 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देने की व्यवस्था ये आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई है। लोग उसको मोदी केयर के नाम से जानने लगे हैं। मैंने महीने भर के कम समय में ही गुजरात समेत देश भर के 1 लाख से अधिक गरीब बहनों भाइयों को इस योजना के तहत उपचार कराने का अवसर मिला है और उसका लाभ मिला है। ये वो गरीब है जो पैसे के अभाव में पीड़ा सहन करते थे, अस्पताल नहीं जा पाते। ऐसे 1 लाख परिवारों को 1 महीने के भीतर भीतर ये मदद पहुंचना कितना बड़ा संतोष का अवसर है। साथियों, आप गरीब भाई बहनों को, घरेलू काम करने वालों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन जैसे मजबूत सुरक्षा कवच से भी जोड़ सकते हैं। 1 रुपये महिला और करीब 1 रुपये प्रतिदिन, ऐसे 2 प्रकार के बहुत ही कम अंशदान पर ये सुरक्षा कवच गरीब परिवार के लिए सरकार ने दिया है। गुजरात में लगभग 75 लाख लोग इन बीमा योजनाओं से जुड़ चुके हैं, जबकि लगभग 6 लाख श्रमिक भाई बहन अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि जो भी वेलफेयर स्कीम सरकार चला रही है वो लाभार्थियों तक पहुंचे। मुझे विश्वास है कि जिस वर्क कल्चर का आप हिस्सा है वो आपको इस दिशा की तरफ जरूर प्रेरित करेगा। साथियों, आने वाले 4 वर्ष यानी 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए हर देशवासी अपने स्तर पर लक्ष्य तय कर रहा है। मेरा आग्रह है कि आपका ग्रुप भी कुछ लक्ष्य तय करेगा। व्यक्तिगत रूप से आप भी कोई संकल्प करेंगे कि 2022 तक देश और समाज के लिए मैं ये करूंगा। आप सभी डिजिटल इंडिया को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आप कम से कम 100 गांवों को डिजिटल बनाने का बीड़ा उठा सकते हैं। ये जितने लोग यहां बैठे हैं वे भी तय कर सकते हैं कि आप वो अपना लेन देन कारोबार डिजिटल करेंगे, मोबाइल फोन से पैसे देंगे, मोबाइल फोन से पैसे लेंगे, अपना पूरा कारोबार
मोबाइल फोन से भीम ऐप से चला सकते हैं। इससे बहुत बड़ी सेवा आपकी, गांव की, गरीब की संभव हो सकती है। और मैं मानता हूं कि स्वस्थ समाज व्यवस्था के लिए हमें एक औद्योगिक परिवार के रूप में काम करना चाहिए। और औद्योगिक परिवार का मेरा मतलब होता है, उद्योग सिर्फ उसका नहीं होता है जो पूंजी निवेश करता है, पैसे लगाता है। उद्योग उन सबका होता है, कोई उसमें पूंजी लगाता है, कोई उसमें मैनेजरियल स्किल लगाता है, टैलेंट लगाता है, कोई उसके अंदर अपना पसीना बहाता है, परिश्रम लगाता है। ये चाहे कोई बुद्धि का इन्वेस्टमेंट करता हो, कोई पैसों का इन्वेस्टमेंट करता हो, कोई परिश्रम का इन्वेस्टमेंट करता हो, ये सब मिलाकर जो उद्योग करता है, ये औद्योगिक परिवार होता है। सब्जी भाई ने इस पूरे ग्रुप को एक परिवार के रूप में पाला है, बढ़ाया है। और इसलिए हमारे देश में जितना ज्यादा मालिक और मजदूर के बीच की खाई खत्म हो जाएगी, परिवार का माहौल बनेगा, विकास की नई ऊंचाइयों को हम प्राप्त कर पाएंगे, गरीब से गरीब का भला होगा। और यहां बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आप गांव से आए, सामान्य परिस्थिति से आए, सूरत की दुनिया अलग है, धन है, वैभव है, मौज है, मस्ती है, सब कुछ है। ऐसे में अपने संस्कार को बचाए रखना, कोई बुराई अपने घर परिवार में प्रवेश न कर जाए, अपने जीवन में न प्रवेश करे, अपने बच्चों में प्रवेश न करे, इसके लिए हर पल सतर्क रहकर के प्रयास करना चाहिए। वरना ये सब पानी में मिल जाएगा, ये सारा मिट्टी में मिल जाएगा। ये जितनी मेहनत कर करके आपने इज्जत कमाई है, वैभव प्राप्त कर रहे हैं, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। और इसलिए हमारे पास वैभव भी चाहिए, सुख और समृद्धि भी चाहिए, लेकिन बिना संस्कार के ये सारा कभी कभी समस्या का कारण बन जाता है। उस संस्कार सरिता को भी बनाए रखें। और हरे कृष्ण नाम ही ऐसा है कि जहां संस्कार की सुगंध अपने आप आती है। मैं फिर एक बार उन सभी को बधाई दिए, आज पुरस्कार मिले। इसके अलावा इस आदत परंपरा के लिए सब्जी भाई और उनके पूरे परिवार को, पूरे हरे कृष्ण ग्रुप को मैं फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत एडवांस में बधाई देता हूं। और वैसे मैं भी कुछ दिनों के बाद 31 अक्टूबर को गुजरात आ ही रहा हूं। सरदार साहब की गगनचुंबी प्रतिमा देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिलने वाला है। एक प्रकार से गुजरात में तो सबसे बड़ी दिवाली 31 अक्टूबर को आ रही है। हर गुजराती शान से, गर्व से उसका मन भर जाएगा जब दुनिया की गगनचुंबी इमारत विश्व के सामने रखी जाएगी। उम्मीद है कि हम सब कभी न कभी समय निकाल करके परिवार के साथ इस सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां जाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सब्जी भाई परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। हम आपके ऋणी रहेंगे, आपका शब्द याद रखेंगे, और एक संत की तरह आपने आज भाषण दिया है, एक पिता की तरह आपने एक सीख दी है, जो हमारी अपेक्षा नहीं, इससे आगे जाके आपने हमको सब कुछ दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आभार। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ડાયમંડ કિંગ સવજીભાઈ ધોળકિયાને તેમના કર્મચારીઓને શુભેચ્છા સંદેશ આપ્યો. આ સાથે જ તેમણે સવજીભાઈ ધોળકિયાની વ્યાપારી કુનેહ અને તેમની કંપનીની કોર્પોરેટ સામાજિક જવાબદારીને પણ બિરદાવી. તેમણે કહ્યું કે દરેક વ્યક્તિએ ડિજિટલ ઇન્ડિયાને વધુ ને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે પ્રયાસ કરવા જોઈએ.